अस्सलाम वालेकुम। आज एक कहानी पढ़ी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। कहानी कुछ यूं है कि एक चौधरी था गांव में, उसके घर आ गया चूहा। उस चूहे ने उसको बड़ा तंग करके रखा हुआ था। ऑल्दो के उसके घर में एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा था, लेकिन वो चूहे से वो और उसकी बीवी बहुत तंग हो रहे थे। तो चौधरी साहब चूहादानी ले आए। जब चूहादानी घर में आई तो चूहा जो है वो पहले कबूतर के पास गया और कबूतर को कहा कि चौधरी साहब जो है वो चूहादानी ले आए हैं मुझे पकड़ने के लिए, तो इसका कुछ करो। कबूतर ने कहा कि यार ये तो तेरे लिए आए, तेरा मसला है, हमारा नहीं है, मेरा तो नहीं है। तो चूहा जो है वो मुर्गे के पास गया। जब वो मुर्गे के पास गया, मुर्गे को भी यही बताया, तो मुर्गे ने कहा ये मेरा मसला थोड़ी ना है, मुझे पकड़ने के लिए तो नहीं लाया, तू जान तेरा काम जाने। चूहा फिर गया बकरे के पास और बकरे को भी यही बताया, तो बकरे से भी उसको यही जवाब मिला कि तुम्हारे लिए आया है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये हमारा, ये मेरा मसला नहीं है। रात को चूहेदानी में चौधरी साहब की बीवी ने चीज कर एक टुकड़ा रख के और वो सो गई। करना कुछ यूं हुआ कि रात में कहीं ठक की आवाज़ आई तो उसकी बीवी उठी और समझी कि शायद चूहा फंस गया चूहादानी में, लेकिन बेसिकली उसमें एक सांप फंस गया था। तो जब चूहादानी में उसने हाथ अंधेरे में डाला तो सांप ने उसको काट लिया। सांप ने जैसे ही उसको काटा, चौधरी साहब हड़बड़ा के उठ गए और उन्होंने फौरन जो है वो बराबर में इनके घर के तबीब था उसके पास लेके भाग गया अपनी वाइफ को। तबीब ने कहा कि भाई कबूतर का जो है वो इनको खून पिलाना पड़ेगा, तो तुम्हारे घर में कोई कबूतर है? चौधरी साहब फौरन घर आए, कबूतर पकड़ा, कबूतर को काटा और उसका खून जो है वो अपनी बीवी को पिलाया। बीवी ठीक हो गई। तो तबीब और उसके जो घर वाले थे उन्होंने कहा कि भाई माशाल्लाह, अब तो तुम्हारी बीवी ठीक हो गई है, तो दावत करो। तो उसने मुर्गा काटा और मुर्गे की दावत कर ली। गांव वालों को पता चला सुबह कि भाई यहाँ तो ये हादसा हुआ था और माशाल्लाह उनकी जो बीवी हैं वो ठीक हो गई हैं, तो सारे गाँव वाले पहुँचे। चौधरी साहब ने बकरा काट के गाँव वालों की भी दावत कर दी। तो चूहा मुस्कुराता रहा क्योंकि कबूतर, मुर्गा और बकरा तीनों काट गए, लेकिन चूहा सही सलामत रहा। अब इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की या कराची की, इनफैक्ट तो पूरे पाकिस्तान का ही मसला है, तो महंगाई इतनी बढ़ गई है और इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई हैं कि गरीब का गुजारा अब मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अब इसको आप गरीब को किसी से भी कनेक्ट करो, लेकिन गरीब बेचारा इस वक्त पिस भी रहा है और चिल्ला भी रहा है कि कुछ करो अरबाब इक्तदार, कुछ करो ए अमीर लोगों, कुछ करो। लेकिन हम शायद या तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं और अपने अपने हालात देख रहे हैं, या हम सोचने के अभी हमारी तो ज़िंदगी गुजर रही है, देखते हैं जब तक मुश्किल हम पर नहीं आती तब तक देखेंगे। लेकिन सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है और फिर ये ना हो कि वो गरीब बहुत ज़्यादा परेशानी में आके और उन इलाकों में या उन घरों तक पहुँच जाए, या मामला सिविल वॉर की तरफ या खाना जंगी की तरफ या किसी और मामले की तरफ ना चला जाए। तो बेहतर होगा कि अब हम तमाम लोग, कराची के लोग, पाकिस्तान के लोग, अब मिल बैठें और इस मसले को हल करें। और ये जो कोई भी इस गवर्नमेंट को लाया है, लाया तो गया है, ख़ुद तो आई नहीं है, तमाम पार्टियां एक साथ जिनके इतने क्लैशेज और इतने मसले थे वो एक साथ हो गए हैं, तो इतने आसानी से तो हो नहीं सकते थे, कोई ना कोई तो ज़रूर लाया इनको। उसके पीछे भी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है कि जब से पाकिस्तान बना है तो कायदे आज़म और लियाकत अली ख़ान के बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी हैं उसके पीछे दो ही लोग हैं, या तो CIA है या हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, तो दोनों में से कोई एक तो लाया है ना इनको। तो बेहतर है कि अब तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं और इस मुल्क के लिए सोचना शुरू कर दें, क्योंकि अब वक्त नहीं है, अब बहुत ज़्यादा मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। तो कल तारिक रोड पर 4 बजे लिबर्टी चौक पर मैं आबिद बेली, एक आम कराची वाला, प्रोटेस्ट रखा है मैंने अपने तमाम कराची वालों के लिए, और इंशाल्लाह हम हाथों की जंजीर बनाएंगे और लाया अमल तय करेंगे इंशाल्लाह कि कैसे अब रिएक्ट करना है, क्या रिस्पांस देना है इस गवर्नमेंट को कि ये महंगाई की तरफ और जो दूसरे मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें और जल्द अज जल्द करें। तो इंशाल्लाह कल आपका इंतज़ार रहेगा 4 बजे लिबर्टी चौक पर। जज़ाकअल्लाह।